Deo Sharan, Ambika Dutt, along with Nand Bhardwaj. Without wasting more time, I'd invite up on stage Ms. Jyotika Diggi to please introduce the session and the speakers. May we all have you on stage. Can we have you on stage, sir? आप सब ने मारी खमागणी अर्ज हुए। आज री चर्चा रो विषय है राजस्थानी लेखन अस्तित्व और अस्मिता। रफली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इट इज एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी ऑफ द राजस्थानी भाषा एंड इट्स लिटरेचर। राजस्थानी भाषा हजार साल पुरानी भाषा है। इरो इतिहास हजार साल पुरानो है, लिखित एवं मौखिक परंपरा में। मैं डिगी परिवार में परण रही, जब मने एहसास हुयो कि ई भाषा में कितनी गहराई है, और जब मैं एक प्रण लियो कि मैं कोई ना कोई तरीको अपनाऊंगा कि ई भाषा ई इस कल्चर को ई ट्रेडिशन ने मैं किया आगे प्रोत्साहन देऊं। आज आपारे बीच ई भाषा रा ज्ञानी प्रबुद्ध लोग विराज्या है। मैं आने इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपने। आयदान सिंह जी भाटी, जो जोधपुर से पधारिया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड प्रोफेसर है और सीनियर कवि राजस्थानी भाषा में है, कई अवार्ड्स प्राप्त करवाया है। डॉक्टर अर्जुन देव जी चारण, जोधपुर से पधारिया है। ही इज ऑल्सो अ सीनियर पोएट, नाटककार भी हैं और प्लेराइट भी हैं। इन्होंने प्रण ले रखा है कि मैं सिर्फ राजस्थानी में लिखूंगा और वार्तालाप सिर्फ राजस्थानी में ही करूंगा। अंबिका दत्त जी फ्रॉम कोटा इज अगेन अ सीनियर पोएट। फ्रॉम अ यंग एज ऑफ 21, किशोरावस्था से ही इन्होंने लिखना शुरू करा। और जब मैं एंड ही इज ऑल्सो एन आरएएस ऑफिसर, मैंने इनसे जब पूछा कि आपको टाइम कब मिलता है लिखने का, तो उन्होंने ये जवाब दिया, जब पूरा जग सोता है मैं जागता हूँ। नंद भारद्वाज जी ने कोई कौन जाने, नंद भारद्वाज जी इज द रीजनल एडवाइजर टू द फेस्टिवल। ही हैज ऑल्सो बीन एक्स डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन जयपुर राजस्थान, एंड आई वुड नाउ आस्क हिम टू कंटिन्यू द सेशन। ही विल बी मॉडरेटिंग। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप सगड़ा भाया ने गणा गणा राम राम, खमा घड़ी, बुद्रो सा आधा बरस। आपने आटे
भाषा में आप जब बोल लेवा तो पिछाण अपने आप हो जावे, मतलब आपने आप बताने की जरूरत नहीं पड़े कि आप कठा सुपदारिया हो और आपने की कर आपनु रिस्पॉन्स करना चाहिए, आप बदल की कर करनी चाहिए। भाषा अपने आप में आ सब जानकारी दे देवे। कोई भी आदमी अगर असिंधु मिल जावे और उन्हें बारे में जानना हो तो वो जो को पहलो बोल बोले उनसो आम तौर तो माते अपने उन्नी जानकारी मिल जावे। लेकिन बोले तो आदमी जो सब बोले उन्हें हिसाब में बोले, यानी आप अगर अंग्रेजी में बात करो ला तो जवाब भी अंग्रेजी में मिलेगा, हिंदी में बात करो ला तो हिंदी में जवाब मिलेगा। जे आदमी ने अचानक कोई बोलना पड़ जावे और अचानक जद बोले जद कद कोई ना कोई मुसीबत में पड़े, नीचो पड़ जावे का कोई लारे हो एकदम आन उन्हें डरा देवे, तो वो जो को पहलो शब्द निकले नहीं वो उन्हीं मातृभाषा में निकले, उठे ठा पड़ जावे कि वो आदमी कट्टर हो। कहने का मतलब ये कि मातृभाषा आपको वो विरासत मिलती है जिसको आपको कमाना नहीं पड़ता, वो आपके जन्म के साथ आती है। आपको किसी विद्यालय में शिक्षालय में जाकर के इसको ग्रहण नहीं करना पड़ता, वो माँ के साथ आपके घर के साथ आपके पूरे वातावरण के साथ आती है। ये जो पहचान है, ये जो भाषा की पहचान है, ये जो आपकी आइडेंटिटी है, ये खोनी नहीं चाहिए। एक रसूल हमजा तो एक उदाहरण दियो कि एक बार एक कोई उन्नो बेटो बारे विदेश में रहो तो कई सालों पर वहाँ रहने के कारण क्या हुआ, उसकी भाषा बदल गई, और जब बहुत बरसों बाद वो वापस आया तो अपनी माँ की भाषा छोड़ के वो दूसरी भाषा में बात करने लगा। तो माँ ने अपने यहाँ भी वो एक तरीका है कि अगर कोई चीज़ वाला अपन दुर्घटना हो जाए तो आप कोई संकेत कर देवा, तो उसने अपना जो ओढ़नी थी उसका पल्ला कर लिया और उससे ये संकेत दिया कि नहीं ये तो मेरा बेटा नहीं। He has lost his language. If he has lost the language, then where is he? भाषा इतना मान और महत्व रखती है, वो भाषा खोनी नहीं चाहिए। Keep it in your part of your body, in your personality, in your whole behavior. ये नहीं रख सकते, आपने जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी खो दी। आपकी पहचान राजस्थानी होने से है, अगर आप राजस्थानी हैं तो आपकी भाषा आपसे छूटनी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में यों भी आपकी पहचान के लिए आप कहाँ से आते हैं ये भाषा ही आपको ये पहचान देती है। मैं आता हूँ राजस्थानी लेखन पर। ये राजस्थानी लेखन जो बहुत से लोग जो कम परिचित हैं उनको मैं बता दूँ, वैसे ज्योति कुमारी जी ने आपको बताया कि हजार साल की परम्परा है, यानी हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें अगर राजस्थानी के उस पार्ट को निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा वीरगाथा काल चला जाता है, पूरा का पूरा आदिकाल उसमें से समाप्त हो जाता है। हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा है या हमारी अपनी जो संपर्क भाषा है, इसका इतिहास 100-125 साल का है। ये मेरठ सहारनपुर बुलंदशहर की बोली रही है जो आके जाकर के विकसित होकर के और एक संपर्क भाषा के रूप में हमने अपनाई है। उससे पहले पूरे उत्तर भारत में भी अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, पंजाबी, ये तमाम जो भाषाएं, ये बहुत समर्थ भाषाएं रही है। आप ब्रज के बगैर सूर की कल्पना ही नहीं कर सकते, सूर और ब्रज को इतना एक दूसरे के आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप अगर गुजरात में भी जाएंगे, गुजरात में और राजस्थान में एक चीज कॉमन रही है, उस भाषा का एक ही ओरिजिन है, एक ही जगह से दोनों भाषाएं निकली है, गुजरी अपभ्रंश से। तो जो शुरू का जो इतिहास है, नरसिंह मेहता, मीरा, ये दोनों जगह कॉमन है, दोनों की विरासत में आते हैं, दोनों जगह गाए बजाए जाते हैं। इसी तरह से जो भी हमारे आस पड़ोस की जो मालवा की भाषा है उसका राजस्थानी से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। इस तरह से, और ये नहीं कि हमारे ही रहा है, उनका भी इस तरह से रहता है। एक लोग कहते हैं साहब कौन सी राजस्थानी, अब इतना बड़ा प्रदेश है हमारे, इस वक्त तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश जो है वो राजस्थान है ज्योग्राफिकली। इसकी अलग अलग एरियाज की अलग अलग बोलियां हैं, बड़ी बोलियां हैं, और हम तो हर बोली का सम्मान करते हैं। हाड़ोती,
कोटा बांस बूंदी के क्षेत्र में बोली, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, उदयपुर और चित्तौड़ इधर मेवाड़ी का बड़ा प्रभाव रहा है, वागड़ी का है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का, वो हमारी प्रमुख एक भाषा बोली रही है। ऐसे ही मेवात क्षेत्र में हमारा जो अलवर वगैरह जो हरियाणा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ऐसे ही बड़ा क्षेत्र जो राजस्थान का रहा है वो मारवाड़ी का रहा है, जिसमें पूरा रेगिस्तान आ जाता है, रेगिस्तान के 12-13 जिले उसके अंदर इस भाषा क्षेत्र में आते हैं, और इस भाषा का बहुत बरसों का इतिहास रहा है। मैं चाहूँगा कि अस्तित्व में तीन ही बातें महत्वपूर्ण होती है, एक तो उसका पुराना इतिहास कैसा है, दूसरी बात यह कि लोक में उसका व्यवहार कैसा है, कि लोक में वो बोली जाती है कि नहीं, व्यवहार में करते हैं कि नहीं लोग, और तीसरी है कि उसका मॉडर्न राइटिंग, आज का जो नया लेखन है वो उसमें कैसा हो रहा है, ये भाषा के अस्तित्व को साबित करता है। मैं चाहूँगा कि इन तीनों पक्षों पर पहले हम बात करें, और मेरे साथ बात करने के लिए विरासत वाले पक्ष पर अर्जुन देव जी चारण हैं, जो राजस्थानी राजस्थान के बड़े लेखक, राजस्थानी के बड़े लेखक भी हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य के अध्येता रहे हैं और अध्यापक भी रहे हैं, विभाग अध्यक्ष रहे हैं जोधपुर विश्वविद्यालय में, और खुद बहुत बड़े लेखक हैं, खूब काम किया है, नाटक के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है अर्जुन देव चारण का। मैं चाहूँगा कि अपनी बात अर्जुन देव जी के माध्यम से कहूँ। धन्यवाद। राजस्थानी भाषा पर साहित्य रो इतिहास घणो जूनो है। 9वीं सदी में एक पोथी लिखी जी कुवले माला कहा, उनमें इन्हें तत्कालीन 18 भाषाओं रो जिक्र है, उनमें इन्हें एक मरु भाषा है। तो पे आप मान सका के ओ ऐतिहासिक प्रमाण है कि 9वीं सदी में राजस्थानी भाषा अस्तित्व में है और साहित्य में आपरी ओळखाण मांडे है। तो 1000 सालों बेसी जिन साहित्य री परंपरा है, आप अचरज करोला के आज आखो देश हिंदी साहित्य रे जिन इतिहास माते गुमेज करे, उनरो पूरो पूरो आदिकाल राजस्थानी साहित्य रो आदिकाल है। हिंदी खुद ने मोटो बनाउन वास्ते आपरे समय री समृद्ध भाषा माने जिन तरह खुदरी बोलियां सिद्ध कर और खुदरो स्वरूप मोटो करियो, उनसू तत्कालीन जितनी समृद्ध भाषावां ही सगला रे अस्तित्व माते संकट आएगी। आज चाहे आप पुराणो रासो साहित्य कहो, हिंदी रो जिको आदिकाल है, उमें जितनी भी वीर रसी रचनावां है, वे तमाम रचनावां राजस्थानी री रचनावां है, और उनने बाद रो मध्यकाल राजस्थानी साहित्य रो स्वर्ण काल बाजे, जिनमें ने वीरता, भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रेम आरी अद्भुत रचनावां रची थी। मने और कहूं में कोई संकोच नहीं है कि जे आपने राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान के इतिहास ने जाननो है तो आपने राजस्थानी रे मध्यकालीन साहित्य ने पढ़नो पड़ेला। आप उन्हें नहीं पढ़ोला तो आप राजस्थान रे बारे में अधूरी जानकारी रखोला। जिन्हें आज अपे अपारी हिमानी कहवा वह उन साहित्य में दबियोड़ी पड़ी है। दुर्भाग्य ओ है कहीं 21वीं सदी तक पूगता पूगता खास तौर से नवी पीढ़ी रा टाबर तो बिल्कुल अजान है,
वाने ठाई नहीं है कि वारे खने इतनी लाठी विरासत है। आप मीरा बहुत बड़ो नाम है। राजस्थानी साहित्य ने अगर कोई ओळखाण देवे तो मीरा, मीरा नाम आवते ही आपरे सामे राजस्थानी साहित्य रो एक उनियारो आवे। एक और बहुत बड़ा साहित्यकार हुआ ईसरदास, ईसरदास रो हरिरस घरा में जो रामायण पढ़ी जे ज्यों पढ़ी जे। और गुजरात और राजस्थान में एक ऐडो कवि है जिको ईश्वर रूप में पूजी जे, ईसरा परमेश्वरा, जो को एक साथ है अगर भक्ति री वैष्णव भक्ति री हरिरस हरिरो गुणगान है तो साथ है देवयान देवी रो गुणगान। एक अद्भुत ग्रंथ है। और वीर रसरो उन्हीं रचनाकार रो लिखियोड़ो हाला झालारा कुंडलिया। तो ऐडा ऐडा लाठा साहित्यकार अपारे अठे होया है जका राजस्थानी भाषा और साहित्य ने समृद्ध कर आपरी पूरी जून उमें होम दी। राजस्थानी साहित्य रे इतिहास माते बात करा तो आप मानने चालो के एक सेशन कम पड़े, इतरो लूठो इतिहास है। उन्हें आप अगर मध्यकाल में पृथ्वीराज राठौड़ बेली कृष्ण रुक्मणी री जो को पांचवो वेद कही जियो, अकबर रे समय रो अकबर रे दरबार रो कवि पृथ्वीराज राठौड़ जी को रुक्मणी और कृष्ण रे विवाह रे प्रसंग ने लेने एक अद्भुत रचना लिखी बेली कृष्ण रुक्मणी री। रुक्मणी हरण सायाजी झूला लिखियो। मतलब मैं सिर्फ रेफरेंस इन वास्ते आपने दूं के राजस्थानी रे बारे में एक आध गलत धारणा प्रचलित है कठे सिर्फ वीर रसरो काव्य है, जबकि मध्यकाल में प्रचुर मात्रा में वीर रसरे साथे भक्ति भी है, श्रृंगार भी है, नीति भी है। क्योंकि वो समय एक ऐडो समय हो जिमें आदमी ने आपरी ताकत सो खुदरो होवनो प्रमाणित करनो पड़तो, इन वास्ते युद्ध उन समय री अनिवार्यता है। और उन युद्ध में जिको वीर वेतो उन वीर रे काम ने ओळखावण नी जिम्मेदारी कवि री वेती। इन वास्ते वे तमाम रचनावा जिकी आपरे समय में आपरी धरती रे मान ने बचाउन वास्ते लिखी जी। गलत धारणा आप प्रचलित वेगी के राजा वारो झूठो जसगान है। आज अपे अपारे एक 25x50 रे प्लॉट वास्ते माथो बढ़ाउन ने तैयार रहवा, कोई दूजो कब्जो कर ले तो छोड़ा कहीं। तो तत्कालीन समय में अगर एक राजा रे राजमाते कोई दूजो आदमी आक्रमण करतो, दूजो राजा आक्रमण करतो तो कहीं वो लड़ेला को नहीं। और कहीं उन्हीं लड़ाई खुदरी एकलेरी लड़ाई है, पूरे देश ने बचावन नहीं लड़ाई है। इन वास्ते वो युद्ध उत्तो ही महत्वपूर्ण हो जितो आज रे समय में अगर भारत माते कोई दूजो देश आक्रमण करे तो अपने सब लड़न ने तैयार हुआ। जब तक आ बाता ने नहीं समझा ला अपे राजस्थानी साहित्य ने हमेशा गलत रेफरेंस में समझता रहा। क्योंकि अपने जिका दूजा लोग है वह आज समझायो है कि राजस्थानी साहित्य झूठ रो साहित्य है। कैडी अजीब बात है कि अपे राजस्थान ने वीरारी धरती कहवा पण वहां वीरारो जस बखाणन नो काम जको साहित्य करे उन्हें अपे झूठो कहवा।
तो दो चीजें साथे नहीं चले, या तो खारिज करो कि राजस्थान वीरारी धरती नहीं है, पर जे राजस्थान वीरारी धरती है, जे महाराणा प्रताप अठे है और उन्हें हिंदवाण सूरज कही जियो है, तो झूठ नहीं कही जियो है। आज रे समय में प्रजातंत्र में भी आप एक छोटे से नेताओं झगड़ो मांड लो तो 20 बार सोचना पड़े कि नुकसान कर देला। तत्कालीन समय में महाराणा प्रताप जिन समय में हो, अकबर बादशाह हो पूरे देश हिंदुस्तान रो, उनसू लड़नो छोटी बात नहीं ही। तो उन्नी लड़ाई ने अगर रचनाकार मान दे रियो है तो झूठो गुणगान थोड़ी है, वो तो आपरे समय ने अभिव्यक्त करण नो काम कर रियो है। तो राजस्थानी रे अस्तित्व ने अपे इतिहास रे आप आना माते और आप अचरज करो लाके महाराणा प्रताप सु पहली जोधपुर रो राजा चंद्र सेन 11 साल तक अकबर सु लड़तो रियो, इतिहास में रेफरेंस नहीं मिले, क्योंकि अपे इतिहास ने आज नकारनी दीट सु देखनो शुरू कर दियो। जिन्हें आज अपे अपनी विरासत कहे ने राजीवा, वो सारी री सारी विरासत तो उन समय रीज बनी ओड़ी है अपने सामने। राजस्थानी रे अस्तित्व ने जानना है, राजस्थानी संस्कृति ने जानना है, राजस्थानी लोक ने जानना है, तो आपने राजस्थान रे इन मध्यकाल रे साहित्य सु गुजरनो पड़ेला। बहुत अच्छी जानकारी दी भी आपने अर्जुन देव जी, पर आप और भी इंप्रेशन मत लीजो कि खाली लाडलो इतिहास ही इतिहास है, अबार वर्तमान नहीं है, वर्तमान उतो ही लूठो है। खास तौर से आधुनिक काल जदसू अपनी आजादी लड़ाई शुरू हुई उनने समानांतर जिको साहित्य लिखी जो वो उनो एक मुख्य माध्यम यानी लड़ाई आप आज आजादी की लड़ी तो उनो भाषा माध्यम ही बांकीदास जी केसरी सिंह बारट जयनारायण व्यास उस्ताद जिता सूर्यबल मिश्रण शंकरदान सामोर ए तमाम जगह पानी परंपरा लोग है आधुनिक काल में गिनी जे और उन आधुनिक काल हुई आगे आओ तो आजादी रे पच साहित्य जो को विकसित हो बेचाऊ के साहित्री जिकी चर्चा है वह लगे टके हो जावे। ऐजान सिंह जी भी इंदिरा राजस्थानी रा प्रोफेसर रिया है, हिंदी भी पढ़ावता रिया है, लेकिन मारत वह राजस्थानी रा लेखक ज्यादा है और राजस्थानी रा लेखक रूप में ही अपनी पिछाड़ है। मैं चाहूंगा कि उड़ पक्ष माते ऐजान सिंह जी आपकी बात रखें। जरूर जटे बात छोड़ी है भाई अर्जुन जी, मैं उन्हीं बात ने आगे बधावनी चाहूं और बात आ है कि कोई भी भाषा अपनी परंपरा को छोड़ के आगे नहीं चल सकती, किसी भी भाषा को अपनी परंपरा को साथ लेके चलना ही पड़ता है और राजस्थानी के आधुनिक काल ने अपनी उसी परंपरा को जो है आगे लेकर के और रेखांकन किया है। मैं कुछ कवियों के नाम के साथ जो है इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा कि परंपरा की जड़ जैसा कि अभी बांकीदास जी में बताया, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आ हंस लीदी खेच उरा और धनिया मरे न दीदी धरती धनिया उभा गई धरा। जिन योद्धाओं ने मर करके भी अपनी जो है जमीन नहीं दी थी, वो देखते देखते किस तरह से जो है अंग्रेज उसको निगल गया और अंग्रेज के जाने के बाद स्वातंत्रोत्तर जो हमारे राजस्थानी का जो साहित्य है उसकी जो मुख्य धारा बनी प्रगतिशील धारा, प्रगतिशील धारा ने किस तरह से जो है राजस्थानी के उस ओज को जो है आधुनिक बना करके मानवीय बना करके प्रस्तुत किया, उसमें गणेशी लाल व्यास उस्ताद की कविता जो है सबसे महत्वपूर्ण है। गणेशी लाल व्यास उस्ताद ने किस तरह से प्रगतिशील मूल्यों को और उसके बाद में जो है उन्हीं की जिस परंपरा में खड़े रेवदान जी चारण और बहुत से नाम, मैं नाम यहां नहीं गिनाना चाहता लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि एक प्रगतिशील धारा राजस्थानी की जिसने अपनी परंपरा के उस ओजस्वी जो है ओज को जो है सामने रखा
किस तरह से जो है आंधी कविता रेवदान जी की, उसका ओज आप देखें, उसके अंदर की ताकत आप देखें, तो पता चलेगा कि जो राजस्थानी की जो वीरता की कविता थी, कि जैसे उन्होंने वहां ला करके सांप्रत हमारे सामने रख दी है। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों के आने के बाद जो नई शिक्षा हमने ली थी, उसमें जो हमारे आधुनिकता बोध के जो तत्व आए, उस आधुनिकता बोध के तत्वों को अपने साथ में रख करके और मनोवैज्ञानिक रूप से जो कविता हमारे सामने आई, सतप्रकाश जी जोशी जिन्होंने राधा और उनकी अन्य कृतियां जो पूरे तरीके से जो है एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे सामने आता है, लेकिन उस मनोविज्ञान की जड़ में जो संस्कृति है वो राजस्थानी है। हम राजस्थानी कविता केवल राजस्थानी भाषा को कह देते हैं, लेकिन मैं कई बार ये जो है मित्रों से कहता हूं कि वो कविता जिस कविता में राजस्थानी संस्कृति की जड़ें भी है, वह भी राजस्थान की ही कविता है। जिस तरह से नारायण सिंह भाटी ने लोक की उस संस्कृति को सामने रखा, ये आधुनिक काल के जो बड़े कवि हैं उनके मैं नाम आपके सामने बता रहा हूं, किस तरह से उन्होंने जो है लोक के उस सुंदर पक्षों को, राजस्थान में सांझ कैसे होती है, किस तरह से सांझ होने पे जो है गांवों में जनजीवन जो है मिलता है, बिछुड़ता है, कैसे जो है पशु पक्षी पंखेरू ये सारे के सारे अपने घरों में अपने नीड़ों में लौटते हैं, ये जो है नारायण सिंह जी ने उस लोक के उस पक्ष को जो हमारे सामने रखा, प्रेम तत्व उनकी कविता के केंद्र में रहा। जुगारी जोत रूपरी रास मिनखरे सपना रो श्रृंगार झुरे है रंगरी महफल बीच माड़े ची मूमल थारे लार। तो जो प्रेम का तत्व है वह नारायण सिंह जी भाटी की कविता से होता हुआ, और यह प्रेम का तत्व आधुनिक काल के हमारे कवियों तक पहुंचा है। मुझे अचानक नाम याद आ गया, वर्तमान में मदन गोपाल लड्डा, जिनकी कविता में प्रेम के इस तत्व को बखूबी जो है निभाया गया है। एक जो प्रगतिशील कविता थी, उस प्रगतिशील कविता के साथ साथ राजस्थानी की आधुनिक कविता का एक महत्वपूर्ण शिल्पगत पक्ष है, और वह पक्ष ये है कि उन्होंने हमारे जो है इस अतुकांत और फ्री वर्स को तो अपनाया, लेकिन साथ ही साथ उस अतुकांत और उस फ्री वर्स में जो है उन्होंने डिंगल की उस नाद सौंदर्य वाली बात को कायम रखा। डिंगल का जो नाद सौंदर्य था, डिंगल की जो अंदर की भाषागत जो विशेषता थी, वो कवियों ने उसको जो है रखा। मैं आपको एक उदाहरण देख करके बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कि मैं देख लियो आभो जमी सुर्ग सू पाताल तक गलते हियाड़े रे हिये सू बा सदीरी झाड़ तक, मैं देख लियो आभो जमी सदियां सुसोई सभ्यता कुरलावती बरलावती सिंहासना रे पग नीचे रगत नदियां जावती। इन गतरी जो भाषा परोटी आधुनिक काल में, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाषागत शिल्प सौंदर्य से लेकर के और आधुनिक काल के कवियों ने अपनी परंपरा को तो परोटा ही, जिसमें उसका ओज गुण उसकी प्रेम प्रधानता, और एक जो महत्वपूर्ण आधुनिक काल के कवियों की बात थी वो था उनका मंच। राजस्थानी के कवियों ने मंच पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है अपनी कविता को सामने रखा, और मंच की जो सकारात्मकता थी, अगर देखनी है तो आजादी के बाद के हमारे राजस्थानी के आप मंच को देखिए, जिसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की जो है अश्लीलता नहीं है, और जिसमें सेनानी जैसी कविताएं, उस वक्त में रेवदान जी की आंधी जैसी कविताएं, और अभी वर्तमान में जैसे हमारे हरीश जी बादानी के हुणिये, पांच बरसों जेवड़ा लटके बजे चुनाव, आप देखिए लोकतंत्र का कैसा उन्होंने वर्णन किया, पांच बरसों जेवड़ा लटके बजे चुनाव और लोकतंत्र रे मैल लूठा पूगे हुणिया, हैं इस लोकतंत्र के महल में जो जबरे हैं जो जबरदस्त हैं वही पहुंच पाते हैं। ये इस तरह से उन्होंने हमारे लोकतंत्र की अंदर की उन चीजों को भी जो है रेखांकित किया। तो इस तरह से जो राजस्थानी का जो हमारा आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल की उस कविता में जबरदस्त तरीके से सौंदर्य, लोक सौंदर्य, प्रगतिशीलता, परंपरा, इन सबको लेकर के और ये कविता आगे बढ़ी है। और आधुनिकता को अगर कहना चाहें तो मैं नाम लेना चाहूंगा तेज सिंह जोधा नंदवारद्वाज,
इन लोगों ने उस आधुनिकता बोध को कठी कहीं वैग्यो है गांव हवा कीकर बैगी है मुहावरा अगर आप देखना चाहें वहां पर कि किस तरह से जो है फिटकार आदि की चली गई हवा। अब आप देखिए कि ये लानत है, ये सारी चीजें उन्होंने संकेतों में प्रतीकों में और बिंबों में कही। तो हमारी आधुनिक राजस्थानी कविता जो है, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं वहां जब बैठा था मित्रों के बीच में बातचीत कर रहा था, मेरी एक अंग्रेजी की कविता का एक ट्रांसलेशन जो बाहर से आई हुई, मैडम मैं नाम भूल जाता हूँ, अंग्रेजी यूं भी मुझे थोड़ी कम ही आती है, तो उन्होंने उसको पढ़ा और पढ़ करके मुझे कहा कि आपकी राजस्थानी में इस प्रकार की ध्वनियां हैं क्या। और ध्वनियां ये थी कि मेरी ही एक कविता के वो थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुहावरा हमारे सामने चल रहा है अभिव्यक्ति वाला, बोलन दो आदमी ने इनने बोलन सो ही तो उगे सूरज चांद तारा आभे में निछरावल करती रात बोलन सू सामी आवे मिनखारा मुंडा काड़ा मुंडा रा धूत जू न्यारी हुए जावे तरवार और म्यान। इन गत राजस्थानी की कविताओं का शिल्पगत सौंदर्य से लेके भाषिक सौंदर्य से लेकर के और आधुनिकता बोध तक को अगर हम देखें तो राजस्थानी की कविता अपने अस्तित्व में और अपने इस संपूर्ण लेखन में कहीं भी मैं ये मानता हूं कि वैश्विक परिदृश्य पे दुर्बल कविता नहीं है, वह एक सबल कविता है। भाईजान जी की बात में मैं थोड़ी सी और जोड़ दूं ताकि बात पूरी हो जाए, फिर मैं अंबिका दत्त जी से मुखातिब करेंगे हम। इसका जो भाषा का गद्य है, खासतौर से आधुनिक काल में किसी भी भाषा की जो पहचान या उसकी जो फर्क है वो उसके गद्य से होती है। एक तो आज़ादी के बाद में इतने उपन्यास लिखे गए, इतनी कहानियां लिखी गई है, बल्कि आज़ादी से के बाद ही क्या कहूँ, हमारे यहाँ मूता नैन सिंह जी हुए, उन्होंने इतिहास लिखा राजस्थानी का, परगनानी मारवाड़ा परगनानी विगत, उनके पैरेलल और भी दूसरे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गद्य में खूब काम किया। कुछ तो विधाएं हमारी ऐसी रही जो पोइट्री और प्रोज दोनों से मिलके बनती थी, वचनिका एक ऐसी शैली में लिखी जाती थी जिसमें प्रोज भी होता था और पोइट्री भी होती थी। तो जितना गद्य खासतौर से आज़ादी के आसपास, आज़ादी के दौर में और उसके बाद में तो ज़्यादा गद्य ही लिखा गया है, और गद्य से ने ही ये साबित किया कि ये भाषा जीवंत भाषा है, ये कोई इतिहास की भाषा नहीं है। और राजस्थानी के जो अलग अलग क्षेत्रों के जो आए हुए बड़े लेखक हैं उन सब की कृतियों से अगर आप गुजरेंगे तो आपको ये आत्मविश्वास बढ़ेगा कि कितनी समृद्ध भाषा इस वक्त ये हो गई है, कितना बड़ा इसका परिसर हो गया है, कितने आज सैकड़ों से ज़्यादा हजारों की संख्या में आपको लेखक मिलेंगे जो राजस्थानी का लेखन में प्रयोग करते हैं। बेशक ये शिक्षा का माध्यम नहीं है, बेशक इसके अखबार नहीं हैं, बेशक पत्रिकाएं ज़रूर हैं, कम हैं, लेकिन राजस्थानी की पत्रिकाएं हैं, अखबारों में भी कुछ इस तरह के वीकली कॉलम्स आते हैं, हमारे यहाँ जोधपुर से कुछ अखबार निकलते हैं तो वहाँ है, बीकानेर में भी कुछ अखबारों ने, युग पक्ष वगैरह ने ये काम किया है, माणक जैसी पत्रिका मासिक पत्रिका निकलती है जो पारिवारिक पत्रिका है। इस तरह से आधुनिक लेखन की तमाम भाषाएं, नाटक के क्षेत्र में मैंने जैसा आपको परिचय में कहा अर्जुन देव जी ने जितना काम किया है, रम्मत करके इन्होंने एक मंच अपना संगठन बनाया है और ये देश भर में उसके प्रदर्शन करते हैं और श्रेष्ठ साबित होकर आते हैं। जहाँ भी हिंदुस्तान की सारी भारतीय भाषाओं के नाटक होते हैं रम्मत अपनी एक ठोस जगह बना करके आती है, इतने प्रशिक्षित कलाकार हैं। इसका बाकी जो संस्कृति वाला पक्ष है, लोक व्यवहार में कितनी समृद्ध भाषा है, इसके बारे में अब अंबिका दत्त जी आपको बताएंगे। ये राजस्थानी के जितने आधुनिक बोध के समर्थ कवि हैं उस लोक में प्रचलित भाषा के भी बेहतरीन जानकार है अंबिका दत्त जी। नमस्कार, कोटा से आयो छू, कवि छू, भाषण कम देने आओ छे, बाता बढ़िया कर जानू छू, सरकारी नौकरी में छू और सरकारी नौकरी भी अशी छे
કે જેમાં કુર્તા પજામા યા ધોતી કુર્તા પહેરવાનું કામ ન સરે, કોટ પેન્ટ ફરની પડે છે, બુશર્ટ પતલૂન ફરની પડે છે, આ ફેર રીસી દાઢી બી યા તુર્ક્યાન કી નાઈ કી રાખ મળી છે. પણ અહીંયા મારી નોકરી શહેરમાં બી રહે છે, ગામમાં બી રહે છે. જ્યાદાતર નોકરી હાડુતી સંભાગમાં રહી. પણ હું માં અપ્સરામાં મારી ગણતી હોઉં છું કે ખાનકા જ્યાં કાનકાઈ મુસીબત આ રહી હોય મારી નોકરી વાં ભલાઈ ન હોય. ઉદાહરણ કે તોડ પર બિજલી ના આરી, લોક સડક પર આગ્યા ચક્કા જામ કર દ્યા, પાણી ન મિલ રહ્યો લોકોએ એને ઘડા ફોડ દ્યા, ખાદ ન મળ રહ્યો લોક ભેળા હો રહ્યા છે, પોસ્ટિંગમાં કોઈ કી બી હો હેર્યો જાઓ કે માર તા અંબિકા દત્ત કો ભેજ દો. વહાં પર ક્યું ભેજ દો? હું જાતા વાં શું સીધી હાડોથી મેં બાત કરી, બતાવો ભાઈ કાંઈ બાત છે. જે લોક મેં જાણે છે વો મારે જતા કહે અભી આ ગયા, આપણી વાત સુન લે ગઈ, આપણી વાત એ સમજ જાઓગા. તો મારા એક ઉદાહરણ તો યો છે કે એ હાડોતી કે કારણ હું લોકો શું જતના બહેતર તરીકા શું જુડ શકું છું. એ અંગ્રેજી બાનક હોયા કે બાવજુદ હું વા ભાષા મારી મદદ કરે છે. દૂસરી હું ખા બી કશી બી લણમાં લાગ રહ્યો હું, ખા બી ખાન કા હું, અગર ખડકી પર બટ્યા હોય આદમી શું હું હાડોતીમાં વાત કર લઉં કે ભાઈ આ નગદ પૈસા લેગા કે તા, યા છુટ્ટા તો કોઈને જ દેતો દેગા ને, અત્રી ખાવા કી દેર છે કે હું કે ભીતર બટ્યો હોય અગર હાડોતી કો મનક છે તું ફગડ જા છે ઓર હું માર તા સારી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી છે. એ દોની ઉદાહરણ મને એક લેખ દિયા કે મારતા લાગે છે કે મારા અસ્તિત્વ અને અસ્મિતા કી પહેચાન એ ભાષા શું હોય છે. હું યા સમજું છું કે આપ લોકો કે સાથ બી અગર સહુલિયત કી જિંદગીમાં એ સારી ચીજા મોજૂદ છે તો ફેર ક્યું આપ લોક યા આપણ સબ હાલ બી હિન્દી બોલવામાં બી શરમાઓ છે? હાડોતી કી તો રાજસ્થાની કી તો છોડો, યા જરૂરત કઈ છે? તો મેં એસી લાગે છે કે એક તો આપણ કે થાય આપણી હિન્દીમાં બોલું કે બોલો બોલો ચાલ્યું છે કામ ચાલ્યું છે. આ હું કવિતા માંડું છું પણ બાતા કરવામાં ઠીક છે મારો મામલો. તો મારા મનમાં કઈ બાર સવાલ આવું છું કે આદમી શું અગર ઉકી પચાણ કા બારામાં પૂછી જાવ કે આપકી પચાણ કાંઈ છે તો કોરો નામ તો ઉકી પચાણ ન હો શકે. ઉકી ભાષા કાંઈ છે, ઉકી સંસ્કૃતિ કાંઈ છે, ઉ કશા દેશ કો રબાળો છે, ઉકો ધર્મ કાંઈ છે, આદિ આદિ સવાલ ઉસુ પૂછ્યા જાવ છે. તો અગર માં શું પૂછી જાવ કે માં કી ભાષા કાંઈ છે ઈકે બિના માં કી સાંસ્કૃતિક પચાણ પૂરી કશા હોગી, તો માં કી ભાષા કશી બતાવું? અર જી ભાષામાં માં આપણી તાઈ ઠીક તરીકા શું પ્રકટ કર શક વ્યક્ત કર શક. આજ કી તારીખમાં બી જબ માં આપણા શહેરમાં યા ગામમાં લોકો શું હાડોતીમાં વાત કરા છા, મારી મારી ગણતી માં લોકોમાં હોઉ છે કે સરકાર કા માં કા મહેકમા કા સારા ડ્રાઈવરમાં શું ખુશ છે? કોઈ કે તાઈ ખરાબ ગાડી મળે તૂટી મળે પર માર તાઈ ફર્સ્ટ ક્લાસ ગાડી મળે છે. કોઈ હર ડ્રાઈવર મારી જરા લાભામાં જવામાં ત્યાર લાર જવામાં વાંગી લરા મારી ડ્યુટી લગા દો, વાંગી ડ્યુટી મારી લગા દો. કે હું ચપરાસી છું અર ખાસ તોર સે ડ્રાઈવર છું, બાબુ છું તો ફેર ભી કદી કદી કર લ્યો. હું તો બાબુ તો અંગ્રેજી ભી બોલ શકે છે, હિન્દી ભી બોલ શકે છે, પણ ડ્રાઈવર અર ચપરાસી છું હું હાડુથી નહીં બોલું. બટ્યા ને ગાડીમાં અર કાંઈ ના અવસર ભાઈ થારો શરૂ હો જાઉં છે. તો મારી જો પેટ છે અબ ઈકો ફાયદો મારતા કાંઈ હોઉં છે? યો સવાલ તો માં કો સબકો લોક વ્યવહારમાં ભાષા કા વ્યવહાર કો છે, લેકિન કાંઈ ભાષા કેવલ લોક વ્યવહારમાં કામ આવું છે. હું તો કવિ બી છું
तो कविता में भाषा को और लोक भाषा को यो सवाल मशहूर करियो जा सके चर करियो जाओ चे कई बार कि आप हिंदी में भी लिखो छो और हाड़ोती में भी लिखो छो या राजस्थानी में भी लिखो छो तो जरूरत कहीं चाहिए बात की का आप कहते हैं राजस्थानी में लिखनी पड़ रही है। यो सवाल मुछाऊँ छो आज का समय में आजकल का जो आधुनिक राजस्थानी में लिखबाड़ा लिखाना से वहाँ से सबसे पूछी जानी चाहिए जी का आप जब रात दिन हिंदी बोलो छो हिंदी में भी कविता लिख सको छो साहित्य लिख सको छो तो राजस्थानी में कविता लिखबा की आपकी मजबूरी काई छे काई बात छे। मुँह एक कवि होबा के नाते एक लेखक लेखक होबा के नाते दो दो बाता मन में विचारूँ छू कि एक तो जहाँ लोगों के बीच में मुँह रू छू जहाँ लोगों की बात मुँह अपना कविता में या साहित्य में खबो छाऊ छू वह बात मुँह हिंदी में कह सकूँ छू अंग्रेजी में कह सकूँ छू पर सबसे बढ़िया तरीका सु तो वही भाषा में कह सकूँ छू जी भाषा में वो बोले छे बपराऊ छे उपाशा के ताई वहाँ की बात के ताई वहाँ का जीवन के ताई वहाँ का जीवन की अंदर की चीज़ों के ताई अगर मुँह वहाँ की भाषा में बोल सकूँ तो सबसे बढ़िया बात है। और चूंकि मुँह वह बोली और भाषा जानू छू ये वास्तव उ भाषा में ही मुँह बात खबो छाऊँ छू ये लेकर मुँह राजस्थानी की कविता लिखबो छाऊँ छू मुँह वहाँ बहुत सारा हिंदी का मारा साथी लोग जानू छू जहाँ की हिंदी कविता में भी भीतर राजस्थानी कड़ोटा लेबू कर मुँह वहाँ से यह भी खबो छाऊँ छू कि था कता अगर लागे कि यह रचना राजस्थानी में लिखनी चाहिए तो राजस्थानी में क्यों न लिखो लेकिन राजस्थानी लिखबा में राजस्थानी बापरबा में थोड़ो सो अभ्यास करवा की जरूरत है थोड़ो सो व्यक्तित्व के ताई डाइल्यूट करवा की जरूरत है थोड़ो आपके ताई ज़्यादा लोकतांत्रिक होबा की जरूरत है चोगा आपका अपना आपके ताई घोड़बा की जरूरत है। यहाँ सब हो या बिना कोई भी लेखक उन समाज को लेखक न हो सके जी समाज की वो काम कर रही होते जी समाज की लेखक रचना कर रही होते। और दूसरी बात जो एक लेखक होबा के नाते महार ताई सबसे ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण लागे छे वह बात यह छे के राजस्थानी में या मां जो बोला छा गाँव में उमें एक लय जो छे उमें एक राग जो छे उमें एक ठसको जो छे उमें खबा की न खबा की बाता मतलब आप सारी बाता खदो और उका बार फाचा भी जो फाचा बात रह जाओ छे वह बात खबा को अंदाज साहित्य में कोई ना भाषा में भी छे। कई बार मुँ देखू छू मारो कवि मारो लेखक भी उनको सामना असहाय हो जाओ छे जब मैं कहा गांव को एक आदमी खाली एक हुंकारा में मनमान सारी बात खजे वो बोले कोई नहीं एक शब्द न बोले हुंकारो कर रहे तीन चार तरह का हुंकारा कर दे तचकारी दे दे बोले ही ना जी मैं काम चल जाओ छू मुँह कहूँ छू अतिरिक्त ताकत अतिरिक्त क्षमता मारा लेखन में आ जाओ वो राग लेर जिस खे उनकी बात में जो राग छे वो मठार जिस तरह से बात कह जो आमना तामना जो करे छे जे बाता जी तरीका से आओ आदर करे छे जो वहाँ को सम्मान करे छे वह लय वह राग और वो ठसको और वो सारी चीजें जब अगर मारी लेखन में न आवे तो मुँह लागे छे कि जीवन जी का बारा में मुँह रचना कर रही छू मुँह खान का अधूरो मुँह रह जाऊँ ई लेख जो सच्चा लेखक वो बोछाऊ छे जो सच्चा लेखक छे जो लोगों की जिंदगी को सच्चो आख्यान कर वो छाओ छे वहाँ के ताई तो मुँह खूँ छू वो जी समाज में रह छे उस समाज की भाषा में ही बोलनी चाहिए जे रू में लिखनी चाहिए जे यह बहुत जरूरी छे। अब अस्मिता और अस्तित्व का सवाल तो बड़ा सवाल छे मारे शरीर को हाड़ोती में बोल बाड़ो लेखक और हाड़ोती में बातें कर बाड़ो लेखक यहाँ का कहीं व्याख्यान कर आप दोनों तो प्रोफेसर व्याख्यान सा जो आपने बहुत गंभीर बातें कर दी अब मुँह तो बातें कर बाड़ो वालो एक कवि छू मारा मन में आई जो बात आप सब लोगों के बीच में मने की अच्छी लागी हो आपके गण गण राजस्थानी के साथ एक अच्छी बात ये हुई कि इसको साहित्य अकेडमी से बरसों से मान्यता प्राप्त है और इसमें जितना अच्छा लिखा जा रहा है उस पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिलते हैं वहाँ प्रकाशन भी होते हैं राजस्थानी में दूसरी भाषाओं से अनुवाद होते हैं। ऐसी भी बहुत सारी राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी है हमारी इसी तरह से संगीत नाटक अकेडमी है राजस्थान की जो यहाँ के म्यूज़िक के यहाँ के फोक आर्ट्स को इन सबको संरक्षण देती है बहुत सारी संस्थाएँ हैं उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल है बहुत सारी इस तरह की संस्थाएँ हैं
जो यहाँ की कला संस्कृति को पूरा बढ़ावा देती है, संरक्षण देती है। ये JLF भी, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो राजस्थानी को बढ़ावा देने में, उसको संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कठिनाई कहाँ है हमारे सामने? कठिनाई ये है कि जब इतनी सारी हमारी तैयारी है, इतनो सारो राजस्थानी में लेखन है, इतनी सारी संस्थावा है, इतनो सारो वीरो बोलड़ वाला लोगारो आधार है, तो फिर इस भाषा ने मान्यता क्यों नहीं है भाई संविधान में? मारी तो अट आवती सारी जो की बात है वह अड़ जावे, क्योंकि मान्यता मिल जावे तो हमारी स्कूल में बढ़ाई शुरू हो जावे, हमारा पाठक मिल जावे, माने हमारी संस्था में जीव पड़ जावे और वह भाषा आगे ज्यादा बढ़सू, ज्यादा ताकत सू विकसित हो सके। इनमें काई कठिनाई है, इनमें काई हमारी तकलीफ है, मैं चाहूंगा आ तकलीफ अर्जुन जी रे शब्द में व्यक्त हुए तो ज्यादा सार्थक हुए। अपाणी जी की भाषा ने सामने राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। लाडला 65 वर्षा सु अपाने जत्सु आजादी मिली, तत्सु आ लड़ाई लड़ी जा रही है। पहली कई वर्षा तक भगत लेखक हा जगा इन लड़ाई रो झंडो ऊंचाई उड़ा उबा, तो आम आदमी ने स्या तो लागतो हो के आ लड़ाई कोई लेख कारे आपसी लाभ री लड़ाई है। आजकल अपारे टे तो आंदोलन कौन करे कि जिन्हें कोई चीज री दरकार वे, आपरे घर में जे चार दिन पानी नहीं आवे तो आप कलेक्टर खने मोर्चो लेन जाओ लगे पानी क्यों को नहीं आवे भाई। पण आप कदी सुनियो के राजस्थान में राजस्थानी री भाषा ने लेने मिनक भेड़ा वे ने कलेक्टर खने गिया वे कि मारी भाषा ने मान्यता क्यों नहीं दो थे? कड़े अचरज री बात है कि 1947 में चाणचक राजस्थान रे रहवासिया ने ठा पड़े के वारी भाषा वारे खने सु खोसली। विधानसभा एक प्रस्ताव पास करे के राजस्थान री भाषा हिंदी है, कड़ी अजोगती बात है। और उन टेमरा सगड़ा जिका राजनेता है वे किन भुलावे में आने इन बात ने स्वीकार कर ली। आज बहुत सा लोग आके वे के राजस्थान में तो बहुत सी भाषा वहां है, आड़ोती है, ढूंढाड़ी है, बागड़ी है, मेवाड़ी है, शेखावाटी है। आप एक बात माते विचार करो कि कहीं 1947 से पहली राजस्थान नाम रो कोई प्रदेश हो जे उन टाइम हाड़ोती ढूंढाड़ मेवाड़ मारवाड़ ए प्रदेश था, देश था अपने आप में, और वहां सगला ने एकट करने आप एक नवो नाम दियो राजस्थान, तो भाई वहां सगला री भाषावा ने एकट करने ए जे नाम देवा राजस्थानी तो उमें ऐतराज क्यों है? राजस्थान री विधानसभा जी को 12-14 साल पहली एक प्रस्ताव पास करने संकल्प भेजियो केंद्र सरकार ने, जिमें लिखियोड़ो है कि राजस्थानी ने संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। राजस्थानी रो अर्थ कहीं मारवाड़ी ढूंढाड़ी वागड़ी आड़ोती मेवाड़ी मेवाती ब्रज ए सगली भाषावा जिकी राजस्थान में बोली जे वारो जिको पुंज है, वारो जिको समुच्चय है, वो राजस्थानी रे नाम सो आज मैं आप रे सामी राखा कि मैं राजस्थानी बोला। अंबिका दत्त जिको कहवे मैं हाड़ोती में लिखा, कहवंड मैं भी कह सकू मैं मारवाड़ी में लिखू, लेकिन नहीं मैं कहवा कि नहीं आ राजस्थानी है। जो ही इन मुद्दे माते जावा कि एक आदमी के मैं तो ढूंढाड़ को छू, तद उन आदमी ने मौको मिले जिको अपारे सामी ओ सवाल खड़ो करे कौन सी राजस्थानी, और अपे बचावरी मुद्रा में आए जावा। आप आ याद रखो के न्यारी न्यारी बोलियां वेणो भाषारी ताकत है, कमजोरी नहीं है। अपने लोक में कही जियो बारह कोसा बोली बदले, आप जयपुर रे मैंने परकोटे रे मैंने जार बोलनिया सु बात करो और परकोटे रे बारला बोलनिया सु बात करो, आपने बोली रो अंतर ठा पड़ जाए। वह बोली है भाषा नहीं है। अर्जुन जी की बात कही, मारो ख्याल है कि यूं तो बहुत सी बात साफ उगी वेला,
लेकिन कोई सवाल आपके मन में वे कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो आपका स्वागत है। राम राम सर, केकड़ी को रेबाड़ हूँ मैं। और अब आर जो संवैधानिक मान्यता की बात आप सब मिलर कर रहे हैं, हाँ चिंतित था कि भाई राजस्थान की भाषा न कहीं यार कहीं आप संवैधानिक मान्यता हुए, और मारो प्रश्न यहाँ ना साहब पारिवारिक मान्यता ही खत्म होती जा रही है। आपने परिवार में आपने टावरा के साथ आप कई मारवाड़ी में बोलना की यह एक बड़ो संकट है। इजराइल का लोग 1000 साल तक संघर्ष करते रहे कि भाई आपने इजराइल में भेड़ा वाला और आपने एक मुल्क में बढ़ा वाला इन्हें, तो आपने जो परिवार है उमा आपने टावरा के साथ मारवाड़ी बोलबा को संकल्प लिया। आज सब लोग मीटिंग में चित्रा लोग बैठा है तो आपने टावरा के साथ अब मारवाड़ी में बात करा ला और वहां टावरा ने बताओ ला के हो सके मैं मर जाऊं मारी ई जिंदगी में, मैं संवैधानिक अनुसूची में देकर कौन जाऊं पर मारा टावर जरूरी राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक में देखा। मैं आपने एक मारा अनुभव बताऊं, जब पढ़ाई लिखाई करने पाचा गाँव में जावा और वारे बच्चे थोड़ी हिंदी सीख ली भी नहीं तो हिंदी में बोलने लग जावा जरे वे मतलब पड़ोसी ने कहे अब अंग्रेजी छांटे बारे हमें, मतलब अगर हम नहीं बोले उनके बीच में जाके तो एक दूरी बन जाती है। आपने जो सवाल किया कि व्यवहार है कि नहीं, आप इस जयपुर से 10 किलोमीटर दूर चले जाइए, आप बस से चले जाइए, आपकी हिंदी और अंग्रेजी धरी रह जाएगी, आप लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। ये तमाम जो JNF के अंदर जो जो वातावरण बना हुआ है ये सिर्फ यही तक सीमित है, इससे बाहर निकलते ही सड़क पर आपको एक एक ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा आपकी जिस भाषा में आप व्यवहार करते हैं। अगर आपने हेलो आई नीड ऑटो रिक्शा वो पूछो कई मांगे, तो कहने का मतलब ये कि भाषा लोक में अपने आप होती है। यहाँ जो शहरों में या बड़े नगरों में रहते हैं वो एक दूसरे प्रभाव के कारण से कई बार अपने भाषा से थोड़ी दूरी बना देते हैं, लेकिन खोते नहीं है, अपने घर में तो वो चलती ही है। मेरा प्रश्न आपको दीजिए अर्जुन देव, मेरी राजस्थानी इतनी अच्छी नहीं है पर मैं उदयपुर से ही हूँ। अभी मेरी पढ़ाई लिखाई सब बाहर हुई है राजस्थान से, तो उसके कारण लाइक राजस्थानी ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, बट हाँ समझ में आवे राजस्थानी समझ में आवे पर बोल नहीं सकूँ। तो बात ये अर्जुन सिंह चार्ल से बात करना चाहता था मैं सर कि आपसे प्रश्न पूछूँ कि राजस्थानी हम प्रमोट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि राजस्थान एक प्लेटफॉर्म पर आए अच्छे से आगे बढ़े, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे छूटना चाह रहे हैं किसी और तरीके से, बट ये है कि वापस से जुड़ने के लिए मुश्किल होती है और समझ में आता है, बट उसे भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ये नहीं कि राजस्थानी एक गढ़ से आए, तो मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि हम लोग एक लाइन पे कैसे आए, एक लाइन ऑफ थॉट बोलते हैं ना कि हम एक विचार पे कैसे आए कि सबको मिलके करें। जैसे आपने बोला कि हिंदी बढ़ रही है, राजस्थानी इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि उसका बोलते हैं ना कि जैसे उसके वखाण एक बार्डिक लिटरेचर होता है जो लिखित बोली जो बोली जाती है और एक होता है कि जो लिखा हुआ होता है, तो ऐसी कई चीज़ें जो लिखी भी नहीं है और कई चीज़ें जो लिखी भी है, तो अगर लोगों को पता चलेगा माध्यम के थ्रू अंग्रेजी हुआ हिंदी हुआ तो उसका प्रचार ज़्यादा होगा, मेरा ये मानना है तरीका। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में, मैं ये जानना चाहूँगा। आप जो कह रहे हैं कि अगर हम राजस्थानी की बात करते हैं तो हम अपने को कोई सीमित नहीं करते, हम हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी के माध्यम से हम सारे विश्व के मनुष्य से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें किसी भाषा को अपनाने में उससे संवाद करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, और इसलिए हम चाहते भी हैं कि हमारे राजस्थानी का राइटर उसका अनुभव संसार इतना बड़ा हो कि वो दक्षिण अमेरिका के किसी राइटर से भी उतने ही आत्मविश्वास से बात कर सके। हम कोई इस तरह का भेद नहीं करना चाहते, सीमित भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपनी पहचान भी नहीं खोना चाहते। अगर हम घर के नहीं हुए तो हम कहीं के नहीं होंगे, सबसे पहले आप अपने घर के होइए। घर घर चला सुरक्षित है तो आपकी दुनिया सुरक्षित है, घर सुरक्षित नहीं है तो दुनिया के होने से कुछ नहीं होगा। मैं राजस्थानी भाषा के एक पाठक के तौर पे एक सवाल करना चाहूंगी। जैसे कि अगर एक आम मेवाड़ी है उसको बागड़ी बिल्कुल समझ में नहीं आती, बाकी भाषाएं जैसे शेखावाटी ढूंढाड़ी मतलब बोलियां तो आपस में समझ में आती है, तो क्या एक जो साहित्य है राजस्थानी साहित्य उसको पढ़ने के लिए क्या एक कोई मानक
राजस्थानी भाषा है, जिसे एक पाठक बाहर का भी, एक आम हिंदी पढ़ने वाला पाठक जो एक राजस्थानी भाषा के एक मानक स्वरूप को जानना चाहता है, तो क्या ऐसी कोई राजस्थानी है? वैसे तो राजस्थानी की एक स्टैंडर्ड भाषा है, जो मानक भाषा जिसको कहते हैं। अगर ये व्याकरण, जैसे रामकरण आसोपने व्यास व्याकरण लिखी, सीताराम लालस ने उसकी व्याकरण लिखी, शब्दावली सारी बोलियों की एक है, यानी डिक्शन, वर्ब्स जितनी क्रियाएं एक है, सर्वनाम एक है, केवल फर्क कहाँ पड़ता है? लहजे में फर्क पड़ता है, बोलने के स्ट्रेसेस में, पंक्चुएशंस में फर्क पड़ता है, कोई बोलने के तरीके से पता लगता है कि ये आदमी किस एरिया से आता है। मूल शब्दावली एक है, इसलिए किसी को एक अंबिका देव जी को अगर मारवाड़ के किसान से बात करनी हो को कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐसे ही हमारे व्यापार में तो ये बहुत बहुत ज्यादा था, यानी जितने व्यापारी है वो तो सारे पूरे राजस्थान प्रदेश से आते थे और बाहर भी चले जाते थे। कोई मारवाड़ से गया है, कोई शेखावाटी से गया है, कोई हड़ौती से आया है, उन सब की पहचान बाहर क्या है? मारवाड़ी है। वहां कोई अलग पहचान नहीं है, सबकी एक ही कॉमन पहचान। अमेरिका ने मान्यता दे दी उसके मारवाड़ी को कि ये विश्व की बड़ी भाषा है। अपने घर में थोड़ी सी कबार कमजोरी है, हो जाए धीरे धीरे ठीक, जनता ही आवे। अब वोट से ही जनिया आने राजनेताओं ने तो ए मारवाड़ी टाल राजस्थानी टाल काम नहीं चल रहा, आने कोई बदलाव को नहीं पा रहे थे। अगर गांव में जावे पर सभा सब सोसाइटी में जावे और जब मारवाड़ी राजस्थानी नहीं बोले आने कोई पूछे को नहीं, इनको वोट नहीं मिलते, इसलिए वहां वही बोलते हैं। लेकिन संसद में पहुंचते भाषा बदल जाती, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक सर डिंगल और पिंगल का क्या है सर इसका? डिंगल और पिंगल राजस्थानी की कहिए या पुरानी हमारी विरासत की दो बड़ी प्रमुख शैलियां रही है। पोइट्री जो लिखी गई है ब्रज भाषा में, पिंगल की पोइट्री आती थी। एक ही कवि यानी सूर्यमल मिश्रण आपको पिंगल में भी लिखते मिल जाएंगे, आपको डिंगल में भी लिखते मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पोइट्स हैं या जिनको एक समय तक दोनों भाषाओं में साथ चले, फिर दोनों के अपने अपने एरियाज के हिसाब से अलग अलग हो गए, लेकिन शैलियां दोनों की कॉमन रही। आखिरी सवाल बस, लता जी बोलिए। મારા સવાલ કોને અંબિકા દત્ત રી વાત પર ક્ષેપક છે, આ કહ્યા કે હું અગર રાજસ્થાની માં ના લખું તો મારો મેનક મારી વાત કોને જાણે, હું રાજસ્થાન રે મેનક ને બારે માં લખી રહ્યો હું તો રાજસ્થાની માં માંડવા ચાઈ જાય, એ વાત છે ને? આ મનીષા અઠે બેઠી ઘણી કહાણીયા માંડી ને રાજસ્થાન કે બારે માં, હું ભી એકાદ માંડી, ઓ તો ઠીક હૈ રાજસ્થાન રી પ્રોબ્લેમ રાજસ્થાની સમજેગા, બટ લાઈક મેં ये चाहूं छू हिंदी वाला भी समझे तो वो मैं हिंदी में लिखूं। राजस्थान रा घना मिनक कनाडा में बस गया, 90 लाख आबादी और 2.5 लाख झीला, वे भूल गया राजस्थान में पानी री घनी तकलीफ है। रात में हमारी बात हुई भूल ही गए थे, तो जरूरी छे राजस्थान तो वाजिब बात है लता जी। हाँ। भूल इन वास्ते गया कि वा स्कूल में पढ़ाई जे को नहीं, स्कूल में प्राइमरी जिन राजस्थानी शुरू हो जावेला उन दिन आ समस्या खत्म हो जावेला। अब आर एमए करावे, सारी हायर एजुकेशन राजस्थानी में वे, पीएचडी करावे। मैं खुद राजस्थानी में लिखता टाइम मारे स्पेशल विषय रहे हो, लेकिन जब मैंने 10वीं तक चाहिए तो नहीं मिलते। पहले हम जब पढ़ते थे, पता नहीं उस जमाने के बहुत से लोग बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, एक हिंदी का गद्य पद्य संग्रह पढ़ाया जाता था। उसमें पातल और पीथल जो हमारे कन्हैयालाल सेठिया की कविता है वो उसके अंदर थी। वो हाँ, अरे घासरी रोटी जद बन बिलाव वो ले भाग्यो, ऐसे ही नारायण सिंह जी भाटी का जो दुर्गादास था वो उसके कोर्स में था। बहुत सारी चीजें उस वक्त पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती थी, आज भी ऑप्शनल के तौर पर राजस्थानी विषय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो और पीछे जाकर के प्राइमरी लेवल तक जाए, वहां जब ये भाषा पहुंच जाएगी पाठक की समस्या खत्म हो जाएगी। यही है कि राजस्थानी में भी लिखे, हिंदी में भी लिखे, संभव हो तो अंग्रेजी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने धैर्य से सत्र को सुना, बहुत बहुत आभार।